सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ई पाठशाला। दिस इज अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 की साइंस। और ये हमारा चल रहा है फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप यानी चीज़ों को, मटेरियल जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने ग्रुप में बांटा है। क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की, बहुत लंबी लिस्ट है, कहाँ तक जाएगी ये लिस्ट। इसलिए हमारा काम इजी बनाने के लिए हमने इन चीज़ों को ग्रुप्स में बांटा है। देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, मतलब हमें पता है ये बहुत वास्ट वेराइटी है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, जैसे अगर हम अपने आसपास देखें तो चेयर होते हैं, बलक काट मतलब बैलगाड़ी, ठीक है, साइकिल होती है, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से बहुत ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ देखो वहीं ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस, मतलब हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग शेप है, अपना अलग कलर है, अपना अलग यूज है। जैसे अगर हम देख लें फुटबॉल और एक बास्केटबॉल को, तो सबसे पहला तो फुटबॉल का क्या काम यूज होता है, हम फुटबॉल खेलते हैं और उसका कलर भी अलग होता है फुटबॉल का। बास्केटबॉल का क्या हो गया, बास्केटबॉल से हम बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब उसका यूज हो गया बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल से अलग है और उसका कलर अलग होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो इस तरीके से हर हर मटेरियल की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग खासियत होती है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिचर। मतलब हमारा मतलब क्या है, हम अगर मान लो एक तरीके से हमने क्या ग्रुप बनाया, राउंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा रबर बॉल आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, ग्लास मार्बल यानी कंचे वो आ जाएंगे। ठीक है, और इफ वी अगर हमने उस ग्रुप को बढ़ा के ये भी इसमें कर दिया कि नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स भी हम उसमें सॉर्ट कर सकते हैं, तो नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स में हमारा एप्पल आ जाएगा, ऑरेंजेस आ जाएंगे, अर्दन पिचर यानी घड़ा, घड़ा देखा होगा आपने, मट्टी का घड़ा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, अगर हम मान लो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की खोज कर रहे हैं मतलब जो खाने लायक हो, तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। मतलब हम चैप्टर 1 जब करा था, आप पीछे जाके चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने टेबल 1.1, 1.2, 1.3 कराया था, तो उसके सारे मटेरियल्स फिर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इस ग्रुप में। अगर हम एडिबल पार्ट्स का एक ग्रुप बनाए, अगर हम बनाए एडिबल पार्ट्स का एक ग्रुप बनाया हमने, तो उसमें सारे ईटेबल पार्ट्स यानी जो चीजें हम खाते हैं वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। मतलब चलो हमने अब एक ग्रुप बनाया कि जो चीजें प्लास्टिक से बनी हो उस ग्रुप में वो चीजें आएंगी, तो बहुत कुछ आ सकता है, बकेट्स, आपके लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स यानी बोतल्स, हम सबके घर में होती है बोतल जो पानी पीते हैं, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपका फोन भी कहीं ना कहीं उसमें, पेन भी कहीं ना कहीं उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्लास्टिक से बना है, हर चीज में लगभग लगभग आजकल प्लास्टिक का यूज है। ठीक है, देर आर सो मैनी वेज ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे वेज हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के, राउंड पे शेप पे कर लो, कलर पे कर लो, उनके यूज पे कर लो, उनके मटेरियल पे कर लो। ठीक है, वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। अब इसमें क्या करा है एनसीईआरटी वालों ने, इन्होंने किस हिसाब से बांटा है चीजों को ग्रुप्स में, इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक उनके शेप पर और एक मटेरियल्स पर, इन्हीं ग्रुप दो ग्रुप में बांटा है चीजों को। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन ले लो आप, तो पेन दो चीजों से बना है, उसकी टिप जो होती है मेटल की होती है, ठीक है, दूसरी तरफ बॉडी जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, वुड की भी होती है और मेटल की भी हो ही सकती है, दूसरे मेटल की। ठीक है, तो पेन लेकिन इंक अंदर जिसमें रिफिल होती है वो तो प्लास्टिक के ही होती है, मतलब पेन कई चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी चीजें बन रही हैं उनमें जो मटेरियल एक या एक से ज्यादा है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्टिविटी वन है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, मतलब हमने कितने भी मटेरियल को इकट्ठा कर लिया अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम ऑफ और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ स्कूल वट वी हैव इन आर कलेक्शन, मतलब हम कहीं से भी अपने घर से ले लो जो चीज़ें कैरी कर सको आप, ऐसी चीज़ें लेना। ठीक है, और आप स्कूल में से भी ले सकते हो, स्कूल के बाहर से भी ले सकते हो, क्या क्या आपने जैसे कलेक्ट करा है, चॉक स्कूल से ले लिया आपने, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, घर से हैमर ले लिया, मेरे हिसाब से तो ये ना ही ले तो बेटर रहेगा, नेल, सोप,
स्पोक ऑफ अ व्हील, मतलब व्हील का कोई नट वगैरह, ठीक है, बैट ले लिया आपने, अपना खेलने का बैट ले लिया, मैच बॉक्स ले लिया, सॉल्ट ले लिया, पोटैटो ले लिया, मतलब कोई मटेरियल जो आपको मिल रहा है आप उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, 10-12 मटेरियल। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट वी कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लास रूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, मतलब ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं, लेकिन उनको कैरी नहीं कर सकते, हम उसे क्लासरूम में नहीं ले जा सकते ना, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, डॉल हो गया, डोर हो गए, वॉल हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी तो एक मटेरियल है, ये भी तो चीज़ें हैं, ये भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन हम इन्हें क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट दे आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब उनमें क्या करो, सेपरेशन करो, विभाजन करो कि कौन सा वुड से बना है, ठीक है, और कौन सा हमारा पेपर से बना है, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंटू टू ग्रुप, इस तरीके से हमने दो ग्रुप में बांट लिया चीज़ों को। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स, ठीक है। एक ग्रुप में हमने क्या कर लिया, हमने दो ग्रुप कैसे बांटे, पहला ग्रुप जो था हमारा उसमें जो पेपर और वुड से बनी चीजें वो आ गई, सेकेंड ग्रुप जो था जो पेपर और वुड से नहीं बनी है, जो अदर मटीरियल से बनी है वो आ गई, ठीक है, हमने उनमें वो ऐड कर लिया। तो इस तरीके से दो भाग बट गए हमारी चीजों के। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, इस तरीके से हम एक और भाग निकाल सकते हैं उसमें से कि वो चीजें जिनसे हम फूड बनाते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अब यहाँ 4.1 टेबल बनाया और उसमें और सिस्टमेटिक वे से चीजों को शॉर्ट किया। जैसे अब अगर पहला हमारा आया प्लेट या थाली, तो प्लेट और थाली किससे बनती है, स्टील से बन सकती है, ग्लास से भी बनती है, प्लास्टिक से भी बनती है, कई बार स्टील और आयरन की मिक्सचर से भी बनती है, एलिमेंट्स के मिक्सचर से भी बनती है, तो यूटेंसिल है, तो यूटेंसिल किसी भी एलिमेंट से बन सकता है और प्लास्टिक से भी बनता है। पेन हो गया, पेन किस किस से बनता है, प्लास्टिक से और मेटल से, ठीक है, पेन हमारा प्लास्टिक और मेटल से। आप अपना स्कूल में ले जाते हैं हमारा बैग, बैग बैग में क्या होता है, क्लोथ से बनता है, एक तो जो उसका फाइबर होता है क्लोथ, क्लोथ से बनता है, ठीक है, और एक हमारा उसमें मेटल, जैसे अगर आप चेन देखें, कभी चेन देखें, जिप देखें, तो वो मेटल से बनती है। और प्लास्टिक, हम तो मेन चीज़ भूल ही गए, प्लास्टिक, क्योंकि बैग में भी प्लास्टिक होता है, वो जो चेन होती है ना आपकी, वो जिससे आप बंद करते हैं वो प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, तो प्लास्टिक आ गया हमारा। तो इन चीज़ों से बैग बनता है। अगर हम अपनी वाटर बॉटल ले लें, नॉर्मल मिल्टन की वाटर बॉटल, तो बाहर की लेयरिंग जो होती है उसकी प्लास्टिक की होती है ना, और अंदर किस क्या होता है, ग्लास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स आ गए और वो किन चीज़ें से बनते हैं वो हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी टू, इसमें क्या कराया इन्होंने, इसमें मटेरियल्स बता दिए हैं, ये टेबल है एक्टिविटी 4.2 की टेबल है, इसमें क्या कराया इन्होंने, मटेरियल्स बता दिए और उनसे जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हमें वो बताना है। तो पहला हो गया वुड, तो वुड से बनता है चेयर, टेबल, प्लफ, प्लफ या अगर प्लफ का माने मतलब पता हो आपको, हल होता है, हल जो खेत में चलाते हैं ना, हल, बोलक काट मतलब बैलगाड़ी, वो लकड़ी से ही बनती है बैलगाड़ी, ठीक है, एंड इट्स व्हील, उसके चक्के भी, और सो ऑन, आपको जो भी वुड मटेरियल, वुड का मटेरियल दिखता है, वुड के ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकेंड आ गया हमारा पेपर, तो पेपर से क्या बनता है, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, या फिर आप जो भी और आगे सोच सकते हो पेपर से क्या क्या बन सकता है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हो। थर्ड आ गया लेदर, तो लेदर से हमारा क्या बनता है, बैग, बैग बनते हैं लेदर के, शूज़ होते हैं आपके लेदर के, ठीक है, पर्स होते हैं आपके लेदर के, ठीक है, जो फीमेल पर्सेज होते हैं वो लेदर के होते हैं, मेल पर्सेज भी लेदर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर आ गया प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो हमारा बहुत कुछ बनता है, बकेट, मग, ठीक है, और बहुत कुछ, पेन, प्लास्टिक की तो लंबी लिस्ट है, कितने भी आप लिख सकते हो जो आपका मन करे। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉटन, ठीक है, हमारा कॉटन से क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले क्लोथ, क्लोथ हमारा कॉटन से बनता है, सबको पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्लोथ हमारा फाइबर से, फैब्रिक हमारा जो है फाइबर से बनता है, और फाइबर कहाँ से आता है, हमारा कॉटन से आता है, ठीक है, और कॉटन से बहुत चीज़ें बनती है, जैसे अगर आप देखा जाए तो थ्रेड बनती है, किसकी, पूजा वाली, वर्शिप थ्रेड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कलावा, ठीक है, वर्शिप थ्रेड बोल सकते हैं उसको, तो वो बनती है, और काफ़ी चीज़ें हैं कॉटन से, मेनली तो क्लोथ ही बनता है, ठीक है, तो आप क्लोथ ही लिखें, हैंकर चीफ लिखें, कुछ भी लिखें, अब हैंकर चीफ क्लोथ में ही आ जाएगा। सिक्स्थ हमने हमने एक मटेरियल ले लिया, ग्लास,
ग्लास से हमारा क्या क्या बनता है, तो ग्लास माने कांच। तो सबसे पहला तो हमारा मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं वो, फिर कप, ग्लास के कप होते हैं, मग्स भी होते हैं ग्लास के, ठीक है, प्लेट्स भी होती हैं ग्लास की, ठीक है। तो ग्लास से ये चीज़ें बनती हैं, कंटेनर्स बनते हैं ग्लास के, अगर आपने देखा हो आपके घर में किचन में कई कंटेनर जिसमें नमक पिकल कुछ भी भराओ वो ग्लास से बने होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।